नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के करौटी ग्राम पंचायत में चुनाव हारने के बाद दारुद खान ने करौटी सरपंच पद का चुनाव जीते हुए प्रत्याशी मेघनाथ वैश्य पर लगाए आरोप। बताया जाता है कि 25 जून को करौटी ग्राम पंचायत में हुए चुनाव में मेघनाथ वैश्य चुनाव जीते हैं, जिसे लेकर चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी दारुद खान जो मस्जिद के सदर हैं, उनके द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि मेघनाथ वैश्य पंचायत चुनाव जीतने के नशे में विजय जुलूस निकाला, साथ ही धार्मिक स्थलों में पटाखे फोड़े गए, जिससे गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं करौटी ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव जीते हुए प्रत्याशी मेघनाथ वैश्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि दारुद खान कई पंचवर्षीय से लगातार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। हमने उन्हें कई बार पंचायत चुनाव हराया है, जिससे बौखलाकर दारुद खान ने कोतवाली थाने में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, जो निराधार है। पटाखा फोड़े हैं तो मैंने रैली निकाला और उन्होंने बल्कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से मुसलमान चार गाड़ी मुसलमान बुला करके अपने आदमियों के साथ पटांग गाली गलू और तख्ता से मारने की धमकी दिया। इसकी आपने क्या कहीं शिकायत की है? मैं मौके पर शर्मा जी को बताया तो बोले शर्मा जी ठीक है, हम उसको काटेंगे, ऐसी गलती नहीं। जो आरोप लगा रहा वो कैसा आरोप है? वो एकदम निराधार है, शिकायत कर रहा है। हारने के बाद वो जो है मतलब इस सबसे काम करता है।